हेलो डियर स्टूडेंट जैसे कि हम रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ रहे हैं और आज जो हम रिएक्शन को करेंगे इसमें हमें ए प्रोडक्ट जो है हमारा ए कंपाउंड क्या होगा ये हमें बताना है देखिए हमारे पास क्या है हमें ये रिएक्टेंट्स दे रखे हैं और इनसे हमें ये प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए हैं तो हमें इसी आधार पर बताना है कि आपका जो ए कंपाउंड होगा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा और उसका नेम क्या होगा सो सिंपल रिएक्शन है फ्रेंड ये तो इससे पहले मैं आपको ये बात भी बताऊं कि हमारे जो रेक्टेंट्स हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम इनका कॉमन नेम भी जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी समझेंगे देखिए फ्रेंड सबसे पहले आप इनके नाम जानिए मैं इनका नॉमन करता हूँ देखिए आपका ये है सी टू सी टू एच फाइव एन एच टू इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल एमीन और आयु पी नेम होता है इथेन एमीन क्लियर फिर आपका ये दूसरा रिएक्टेंट सी एस टू इसका जो नेम होता है कार्बन डाई सल्फाइड होता है क्लियर फिर आपका ये तीसरा रिएक्टेंट एच जी सी एल टू इसका जो नेम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड या हम इसको कोरोसिप सबलीमेट भी कहते हैं क्लियर कोरोसिव सब्लीमेंट भी इसको कहते हैं इसके बाद आपने इन तीनों को लिया और क्या करा गर्म कर दिया गर्म करने से आपको कोई ए प्रोडक्ट प्राप्त हुआ फिर आपको एच जी एच जी एस प्राप्त हुई एच जी एच जी एस का नेम क्या है इसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं और इसका जो आयक्स है वो सीने बार भी कहता है ये मरकरी का आयक्स है और इसको हम कहते हैं सीनेबार और इसको हम सिंदूर भी कहते हैं वर्मेलिन भी कहते हैं वर्मेलियन भी किसको कहा जाता है और ये तो आप जानते हो एच क्या है क्लियर इनके नेम जानने के बाद फ्रेंड अब आइए इन से किस तरह से हम अपने एक कंपाउंड को प्राप्त करेंगे इसको सीखते हैं देखिए आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं दो हाइड्रोजन हैं और आपके पास कितने सी एल हैं दो सी एल हैं इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो आपको इससे क्या मिलेगा टू टू एच सी एल तो आपको एक इलेक्ट्रीन प्राप्त हो गया चलिए देखिए आपके पास ये है सी एस टू कार्बन डाई सल्फ़ाइड इस कार्बन डाई सल्फ़ाइड में कितने सल्फर हैं दो सल्फर हैं इसको मैं ऐसे कर दूं, दोनों को क्लियर अब यहाँ से आपके पास बची है मरकरी एच जी इसको ले लीजिए और इस सल्फ़र को ले लीजिए तो देखिए इससे क्या क्या प्राप्त हो गया आपको एच एस प्राप्त हो गया क्लियर अब देखिए आपके पास क्या बचा आपके पास यहाँ से क्या बचा है इसको ज़रा ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बचा है इसको देखिए सी टू एच फाइव एन तो बचा है और यहाँ से क्या बचा है आपके पास यहाँ से यहाँ से आपके पास कार्बन बची है तो इनको और ये बचा है आपके पास सल्फ़र अगर हम इन तीनों को क्या करें मिलाएं तो आपको एक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा और जो आपका क्या होगा ए कंपाउंड होगा देखिए सी टू एच फाइव क्लियर फिर एन क्लियर फिर यहाँ से क्या बचा आपके पास सी ले लीजिए उसको भी सी और फिर यहाँ से क्या बचा आपके पास सल्फर तो क्या बना फॉर्मूला सी टू एच फाइव एन सी एस यही आपका क्या है ए कंपाउंड है अब इसका नेम क्या होगा इसको हम कहते हैं इथाइल आइसोथायोसाइनेट या ऐसे भी कह दो आइसो थायोसाइनेटो इथेन तो कुल मिलाकर आपने जाना कि जो हमारा ए कंपाउंड होगा वो होगा सी टू एच फाइव एन सी एस तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताएं हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में